श्वास दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने शरीर की हड्डियों की मजबूती हेतु व जोड़ों की गठिया से बचाव के लिए नियमित व्यायाम करें, अच्छे खान पान का ध्यान रखें, वजन नियंत्रित रखें व तनाव रहित रहें। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने घुटनों को सही रखने के लिए 30 मिनट की नियमित वॉक करें, बादाम खाएं, अखरोट खाएं और विटामिन D3 और विटामिन B12 वाले प्रचुर हेल्दी डाइट लें, जिससे आपके घुटने सही रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम चालू होने वाला है। ऐसी परिस्थिति के अंदर खून के नसों के अंदर थक्का जमने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने आप को हाइड्रेशन पूरा मेंटेन करके रखिएगा, टाइट कपड़े मत पहनिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पे आपको सभी को शुभकामनाएं। आज की लाइफस्टाइल की वाइल से एक बहुत कॉमन बीमारी है। यदि आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो अपने स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर के और अपनी इलाज। आप सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, किडनी हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इसको बचाने के लिए नियमित पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की नियमित जांच करवाएं तथा उसे कंट्रोल में रखें तथा नियमित व्यायाम करें। हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हेल्दी रहने के लिए आपको आपकी दिनचर्या सही रखनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, उनको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर को एडिक्वेटली कंट्रोल रखना चाहिए। नमस्कार, आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एज ए हिमेटोलॉजिस्ट मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको बार बार बुखार आता है या कहीं पे भी बॉडी में चटक्के पड़ते हैं या बहुत थकान रहती है या कहीं से ब्लीडिंग होती है, तो इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, टाइम रहते इसकी जाँच कराएँ और इलाज स्टार्ट करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप नियमित व्यायाम करें, स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि आप ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। लकवे से बचने के लिए हमें अपने BP और शुगर का ध्यान रखना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हेल्थ का मतलब आप सबको अपना पूरा ध्यान रखना है। सो, मेरी तरफ से अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और कोई दिक्कत हो तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए। आप सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बहुत से लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और सही समय पे सही इलाज और सही जांच से इसका इलाज संभव है। जागरूक बने, स्वस्थ रहें, समय पे इलाज। नमस्कार, आपको वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी त्वचा का और बालों का अच्छे से ध्यान रखें, स्किन को डेली मॉइस्चराइज करें, स्किन को बालों को धूप से बचाएं, डाइट अच्छे से लें और डेली एक्सरसाइज करें और 8-10 ग्लास पानी रोज पिएं। योग और व्यायाम से आप अपने बच्चों की को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रख सकते हैं, इसलिए योग करिए। आप सब लोगों को वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने लीवर और अपनी आंतों को और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए खूब सारा पानी पिए, हाई फाइबर डाइट लें और अल्कोहल से दूर रहें। नमस्कार, वर्ल्ड हेल्थ दिवस पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आने पर पैनिक ना हो, डॉक्टर से परामर्श करें। कोई ICU एडमिट होने की एडवाइस देता है तो उससे पैनिक ना होकर एडमिट होकर और अपना ट्रीटमेंट कराएं। आज के टाइम में गंभीर अवस्थाओं के सबकी इलाज संभव है। हेल्थ डे पे आप सबको शुभकामनाएं। इस साल अपन लोग एक प्रण करें कि अपन लोग अपने दांतों की देखभाल के लिए साल में 2 बार डेंटल चेकअप और दिन में 2 बार ब्रशिंग जरूर करेंगे।